सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। उप सेशन जो यौगिकों से संबंधित वीडियो सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पूर्व अपने उप सेशन जो यौगिकों से संबंधित सामान्य जानकारी, फिर उसके बाद में वर्णन सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सिलेबस में एक नंबर का कई बार या दो जो 3.5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें एक प्रश्न आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसका शॉर्ट नेम होता है EAN की गणना करनी या प्रभावी परमाणु धारणा क्या है, वो आपको इस वीडियो की इस सीरीज में समझाने का प्रयास करेंगे। हिंदी में कहते हैं प्रभावी परमाणु संख्या अवधारणा या प्रभावी परमाणु क्रमांक अवधारणा। प्रभावी मतलब इफेक्टिव, परमाणु का मतलब एटॉमिक, संख्या का मतलब नंबर, कंसेप्ट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EAN कंसेप्ट। यह प्रभावी परमाणु संख्या अवधारणा है क्या, ये सबसे पहले सिजविक और पावेल नामक वैज्ञानिकों ने दी थी। सिजविक और पावेल नामक वैज्ञानिकों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की अवधारणा समझने से पहले आप लोगों को उप सेशनजक यौगिकों से संबंधित दो चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उप सेशनजक यौगिकों को एक आगे अपन चर्चा करेंगे इसी परिभाषाओं में। उप सेशनजक यौगिकों को एक बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय मंडल, इसके अंतर्गत लिखते हैं। एक बीच में होता है केंद्रीय पर धातु परमाणु, जिसके अंतर्गत जैसे मैं कोई एक आपको उदाहरण लिख रहा हूँ, ये एक संकुल यौगिक है, इसमें एक तो केंद्रीय धातु परमाणु होगा सबसे पहले, उदासीन होगा तो धातु परमाणु और आवेश होगा तो उसको बोलते हैं आयन। उसके बाद में उसमें क्या जुड़े रहते हैं, लिगेंड जुड़े रहते हैं। इसको इस अवधारणा में आपको समझने से पहले आप लोगों को ये जानकारी होगी कि हमेशा जो उप संयोजक बंध बनता है, कौन सा बंध, उप संयोजक बंध, जिसमें एक तो दाता परमाणु होता है एक ग्राही परमाणु होता है। दाता परमाणु वो होता है जिसमें परमाणु की संख्या अधिक होती है, वो एक एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत जो उप संयोजक यौगिक है उसमें केंद्रीय परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, रिक्त द्वि कक्षक होते हैं, वो खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है, और एक लिगेंड है वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो प्रदान करता है। एक लिगेंड का जो एक दाता परमाणु होगा, जैसे इसमें सारे एक दंतु लिगेंड, वो अपन आगे लिगेंड कितने प्रकार होते हैं उसको वर्गीकरण अपन आगे चर्चा करेंगे। इसमें 6 लिगेंड है, तो एक लिगेंड के कारण से 2 इलेक्ट्रॉन इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास में आएंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होता है वो लिगेंडों से एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और उनके मध्य उप संयोजक बंध बनता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या करता है, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी उत्कृष्ट गैस की तरह विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है। और यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का उत्कृष्ट गैस के जैसा विन्यास हो जाता है तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है, और वो उसका संरचना इस तरह हो जाती है। जैसे इस यौगिक में EAN निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा किसका, पहली बात केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का होगा। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, फिर इसके ऊपर आवेश कितना है ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, जितना आवेश होगा धनायन होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन वो आवेश इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तभी तो उतना वो जैसे कोबाल्ट है इसमें, आगे अपन ऑक्सीकरण अंक निकालना भी सीखेंगे। इसमें आप निकालेंगे तो इसका एक्स मानेंगे, इसका आपका 0 होगा, बराबर होगा आपके +3, तो एक्स बराबर होगा +3 क्योंकि NH3 उदासीन है। तो इस कोबाल्ट पर चार्ज क्या है, +3 है। इसमें CO NH3 6 3+ में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके और भी अपने उदाहरण लेंगे। तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट, इसमें टोटल ये परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27, जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 27 होंगे यदि कोबाल्ट वो उदासीन है। लेकिन इसमें इस यौगिक में केंद्रीय परमाणु किसके रूप में है, CO3+ के रूप में, तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उतना प्लस का चार्ज आता है। तो CO+3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप 3, 27 में से 3 घटा 2 +3 के तो 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
और इसमें लिगेंड कितने लिगेंड जुड़े हुए, एक दंतु लिगेंड है, ये सारे छह लिगेंड है, एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, तो छह एन एस थ्री के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक के कारण से दो, छः के कारण से आपको कितने आएंगे, बारह आएंगे। तो टोटल कैलकुलेट आप करेंगे सी ओ एन एस थ्री सिक्स तीन प्लस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 36, जो कि एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, यानी उत्कृष्ट गैस के जैसा विन्यास हो जाता है। अब जैसे कोबाल्ट के, जैसे कार्बोनिल यौगिक आप जैसे एपी है, इसमें सी ओ कितने जुड़ेंगे वो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, कार्बोनिल यौगिक कितने बनेंगे, जैसे सी आर के साथ में सी ओ कितने जुड़ेंगे, वो उतने जुड़ेंगे जितने आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाए। जैसे एन आई के साथ में सी ओ कितने जुड़ेंगे, आपको ये सारा आपको समझा रहा हूँ। एपी का परमाणु क्रमांक 26 होता है, क्रोमियम का 24 होता है, निकल का आपके 28 होता है, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 36 होगा, अग्री गैस के जैसा, यानी कि ए के कारण से दो, इसमें सी ओ 4 होंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 28 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, क्रोमियम 24 है इसमें 12 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। इसलिए सी आर का जो कोबाल्ट के साथ संकुल यौगिक बनेगा सी ओ 6 होगा, निकल के साथ में बनेगा तो सी ओ 4 होगा, और ए पी है वो 26 होता है, 26 में आप 10 जोड़ें यानी 5 होगा इसमें। और मान लीजिए आपके कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे आपको कह दिया के फोर एफ ई सी एन सिक्स में केंद्रीय परमाणु एफ ई का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो ज्ञात कीजिए, तो आप बताएं इसमें इसका आप कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। इसमें के फोर है तो पहले इसका आप आवेश निकाल लें, चार्ज निकाल लें, तो ये प्लस का 4 प्लस में x माइनस का 6 बराबर 0, एक्स बराबर प्लस 2, यानी इसमें जो AP है वो किस अवस्था में है, प्लस 2 में है, तो AP है वो कितने नंबर पर आता है, AP का उदासीन में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 26, AP प्लस 2 में 26 में से आप 2 घटा दें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 24, और इसमें लिगेंड कितने हैं, 6 CN है, तो 6 CN के कारण से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक लिगेंड एक एकक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, यदि एक दंतुक लिगेंड है तो 6 को 2 से गुणा किया कितना हो गया, 12, तो इसमें Fe-CN6 में टोटल Fe-CN6K4, तो इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 36 आएगा। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये प्रश्न आपके आ सकता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका कैलकुलेशन का प्रश्न है वो कई बार पूछा जाता है, तो मेरे हिसाब से आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो निकालना आ गया होगा, उसका कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आना चाहिए। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना उसका परमाणु क्रमांक है, ये आवेश उसमें कितना है, उतने इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर देंगे, और एक लिगेंड के कारण से, एक दंतु लिगेंड के कारण से दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उसको उतनी संख्या से गुणा कर देंगे, फिर इसमें आप वो जोड़ देंगे तो आपके उस केंद्रीय परमाणु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। शॉर्ट में इसको कैलकुलेशन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ई ए एन निकालने का। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस क्या करना है उसके ऊपर जो आवेश कितना है, आवेश आप कैलकुलेट कर लेंगे, केंद्रीय धातु पर आवेश, ऑर्डिनेशन स्पीयर पर आवेश नहीं, केंद्रीय धातु पर कितना आवेश है वो उतना आप माइनस करेंगे, और प्लस में आपके दो इंटू लिगेंडों की संख्या से आप हो या लिगेंडों द्वारा प्राप्त किए गए, प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन, लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए कुल इलेक्ट्रॉन इसकी सहायता से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कैलकुलेशन कर सकते हो। तो वीडियो की आज की सीरीज़ के अंतर्गत आप लोगों को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसका कंसेप्ट क्या है, और किस वैज्ञानिक ने यह दिया था, सिज्विक और पवेल ने दिया था, उसका दो तीन उदाहरण लिए थे, कुछ आप वो सॉल्व करना, पुराने जो अनसॉल्व पेपर में जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करना, समझ में नहीं आता है तो आप पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो की अगली सीरीज़ में आप लोगों को उपशेषजन्य यौगिकों की परिभाषिक शब्दों के बारे में अपने चर्चा करेंगे, आपको प्रत्येक बार वो समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।